जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बगल में अपना जेजे हॉस्पिटल है ना साला, आज रात इतना आवाज करो वहां के मुर्दे सब जग जाए। नमस्कार, सो हाउज द जोश? आप लोगों का तो पता नहीं मगर फिल्मी सितारे रणवीर सिंह का जोश तो सातवें आसमान पर है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके जोश की एक एक बात पर उस स्टेडियम में मौजूद युवा जो है वो तालियां बजा रहा था। वो युवा और वो भीड़ इस बात को भूल गई कि अस्पतालों में सिर्फ मुर्दा नहीं रहा करते, बीमार भी होते हैं। और जब आप इतना शोर करते हैं तो तकलीफ बीमारों को होती है, मुर्दे तो चले गए। दोस्तों दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। दिक्कत यह है कि युवा की प्रायोरिटीज जो है ना वो गड्ढमड हो गई हैं, वो अजीबोगरीब हो गई हैं। यहां पर अजीबोगरीब चीजों के लिए तालियां बजाई जाती हैं। हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं जिन्हें हम सराखों पर रखते हैं वो हमें जॉब्स नहीं दे पाते, हमें एक अच्छा पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं दे पाते हैं, मगर जब वो कहते हैं हाउस द जोश तो हम बगैर सोचे समझे हाय सर कहते हैं। जी हाँ, याद है ना आपको, फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक सामने उभर कर आती है और किस तरह से पूरा सत्ता पक्ष देश के युवा से पूछ रहा होता है हाउस द जोश, बिल्कुल इस अंदाज में। हाउस द जोश, हाउ इज द जोश। तो देखा साहब, हमारे यहां युवा के लिए फॉर्म मायने रखता है, चेहरा मायने रखता है, कंटेंट मायने नहीं रखते। दोस्तों आज ये तमाम बातें मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि रणवीर सिंह की हर बात पर तो आप ताली बजाएंगे। इस सत्ता पक्ष के नेताओं की खोखली और सतही बातों पर आप नारेबाजी जरूर लगाएंगे मगर आपकी ही बात को लेकर यूथ अधिकार रैली निकल रही है। जी हां, इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि यही यूथ अधिकार रैली जो है वो लाल किले से होती हुई संसद मार्ग की तरफ बढ़ रही हो। ये जो यूथ इस वक्त आ रहा है उसकी कई मांगे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि वो दरअसल कह क्या रहा है और बिल्कुल अपने अंदाज में, क्योंकि अब बात उसके सिर के ऊपर से निकल गई है। अब सम्मान तो बहुत दूर की बात है। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे, हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनका यही विजन है, क्या इनकी सरकार का यही मुद्दा था? अरे बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी, अरे आएंगे सीना तान तुम्हारी, अरे बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। मगर जब ये युवा सामने आएगा दोस्तों तो वो अपने कुछ मांग भी सामने रख रहा है आपके सामने, और ये तमाम मांगे ऐसी हैं जिसका सीधा ताल्लुक आपके साथ है। ये मांग कुछ इस तरह से है, खाली पड़े सरकारी पद भरिए, सरकारी नौकरियां बढ़ाइए, रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार बंद कीजिए। उसकी दूसरी बड़ी मांग है बजट का 10% शिक्षा पर खर्च कीजिए, उच्च शिक्षा में फंड्स कट, फीस में बढ़ोतरी, स्कूलों को बंद करने की नीति को खत्म कीजिए, लिंग के आधार पर यानी जेंडर के आधार पर भेदभाव बंद कीजिए, लड़कियों के हॉस्टल्स में एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल शुरू कीजिए। वो ये भी कहता है कि शिक्षा के बेहुदा भगवाकरण को बंद कीजिए, शैक्षणिक आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश मत डालिए।
दोस्तों हकीकत यही है कि जब यूथ की अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश डाल दी जाएगी तब वो सोचना बंद कर देगा। जी हां, और पिछले 3-4 साल से हो यही रहा है कि उसका ध्यान अलग अलग मुद्दों पर भटकाया जा रहा है। उसकी तर्क की क्षमता को, आर्ग्यूमेंट देने की क्षमता को खत्म किया जा रहा है। पहले जब नोटबंदी हुई तो जब लोग लाइनों में लगे और जब उन्होंने कंप्लेंट की, शिकायतें की, तो उसको यह कहा गया कि भाई देश का सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहा है और आपको दिक्कत है लाइन में लगने से। आप जियो के लिए लंबी लंबी लाइनों में लग सकते हैं, सलमान खान की अगली फिल्म के लिए लाइन में लग सकते हैं, मगर आप नोटबंदी के लिए लाइन में नहीं लग सकते। इसका अर्थ क्या था, और यह चीज मैं यूथ से क्यों कह रहा हूं, इसका मकसद यह था कि ये जो चाहे जियो की बात हो चाहे सलमान खान की फिल्म की बात हो, ये दोनों आप अपनी आजादी से लाइन में लगे थे। नोटबंदी में आपको लगाया गया था क्योंकि सरकार ने एक वाहियात फैसला लिया। सरकार ने वो वाहियात फैसला क्यों लिया उसका वो जवाब अब तक नहीं दे पा रही है। NSSO के डेटा आ गए हैं कि पिछले 45 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट की दर सबसे ज्यादा है। सरकार अपने ही एजेंसीज के आंकड़ों को फर्जी बता रही है। और दोस्तों ये जो युवा जो है ना, ये तमाम मांगे जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इसका ताल्लुक दरअसल इसी बेरोजगारी से भी है। वो ये तमाम मुद्दे आपके सामने रख रहा है, वो लाल किले से संसद मार्ग तक मार्च कर रहा है यूथ के मुद्दे उठाते हुए। और जब ये शख्स स्टेडियम में खड़े होकर जेजे अस्पताल के मुर्दों को जगाने की बात करते हैं ना दोस्तों, ये आपके मसाइल नहीं हो सकते, ये आपके मुद्दे नहीं हो सकते। सुनिए महाशय को एक बार फिर। बगल में अपना जेजे हॉस्पिटल है ना साला, आज रात इतना आवाज करो वहां के मुर्दे सब जग जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि आपके इन तमाम मुद्दों के साथ यूथ मैदान में है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोहरी चुनौती है इस वक्त यूथ के सामने। उसे जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति की, उसके एक्सप्रेशन पर अंकुश डाले जा रहे हैं, और न सिर्फ अंकुश डाल रहे हैं बल्कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के जरिए जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, वो जहरीला प्रोपेगेंडा जो आपके और हमारे दिमाग में घर कर रहा है। हमारे जो बुजुर्ग हैं या अधेड़ उम्र के लोग हैं, जो यूथ को पार कर चुके हैं, जो अपनी 40s में हैं, वो लोग की जिंदगी गुजर चुकी है या वो लोग तो अपनी जगह पर बने हुए हैं। चुनौती आपके सामने है दोस्तों, चुनौती आपके सामने है कि अभी आपको अपनी लाइफ बनानी है। सवाल ये कि क्या आप इस जहर में खुद को फंसा सकते हैं, क्या आप इस जहर में खुद को दफन कर सकते हैं? नहीं, आपको जहर को नो कहना पड़ेगा। से नो टू पॉइजन, वो पॉइजन जो हमारी नसों में प्रवेश कराया जा रहा है, जो हमारे नसों में इंजेक्ट किया जा रहा है। मुद्दों को उठाइए, वो मुद्दे जो आपके अपने हैं, और अपने रोल मॉडल्स ध्यान से चुनिए दोस्तों। आप जब तक अपने रोल मॉडल्स ध्यान से नहीं चुनेंगे तब तक ये दिक्कत सामने पेश आती रहेगी। तो बोल के लब आजाद है मैं तेरे, आज मेरे बोल इस देश के युवा के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने मुद्दों को समझेंगे और वो तमाम मुद्दे जो आपके पक्ष में उठाए जा रहे हैं आप उसके साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और न्यूज क्लिक के चैनल को सब्सक्राइब करें। बोल के लब आजाद हैं, मैं बस इतना ही।